अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। सो आज की वीडियो मैंने सोचा कि मैं उर्दू में बनाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आए। और अगर आप ये बनाएं तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ ये रेसिपी हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए आप शुरू करते हैं रेसिपी के साथ। सो अभी मैंने 2 कप लिए हैं योगर्ट के, और अब मैंने 2 टेबलस्पून्स लाइम जूस की डाल रही हूँ फ्रेशली स्क्वीज। और फिर इसके बाद मैं ग्राउंड सिनेमन डालूँगी 2 टीस्पून्स, एंड देन कायन पेपर 4 टीस्पून, और ब्लैक पेपर डालूँगी 4 टीस्पून, और सॉल्ट भी डालूँगी 2 टीस्पून्स। और अब मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ फ्रेश जिंजर के, और अब मैं सब इंग्रेडिएंट्स को साथ में मिक्स करके अच्छी तरह मैरिनेट कर दूंगी 30 to 1 hour के लिए। अब मैंने यहाँ पे गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं अबाउट 25, और मैं उनको फाइनली चॉप कर लिया है, और मैंने 2 हालापीनोज लिए हैं जो उनको मैं फाइनली चॉप कर दिया है। अब मैंने ऑयल लिया है पैन के अंदर अबाउट 1/2 cup, और मैंने इसमें चिकन डाल दिया जो मैरिनेट मैंने किया था 30 मिनट्स के लिए। और अगर आप चाहें तो आप इसको स्क्यूअर्स में लगा के बारबेक्यू भी कर सकते हैं इसका, पर मुझे इसको इसके मसाले में ही पकाना अच्छा लगता है ताकि इसका मोर जूसी एंड मोर फ्लेवरफुल हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे अबाउट 10 टमाटर लिए हैं जो मैं न्यूट्रीब्लेंडर में डाल के उसकी प्यूरी बना लूँगी, और मैं पूरी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बिलो में आपको दे दूंगी ताकि आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हो सब चीज़ों की कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है। और मैं यहाँ पे बस चेक कर रही हूँ कि चिकन कितना गल गया है, और अभी थोड़ा सा पानी ऊपर आ गया है पर तो मैंने इसको थोड़ा हाई हीट पे कर दिया है ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा योगर्ट का जो खुश्क हो गया है, सब चिकन ने अब्सॉर्ब कर लिया है, अच्छा से खा मसाला बन गया है, और मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। तो यहाँ पे अच्छा सा हमारा चिकन तैयार है, और इसका मैं डिश आउट कर लूँगी। और तो यहाँ पे मैं अपना ओवन 425 पे प्री हीट कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोयला लिया है, और मैं इसको ओवन में एक फॉइल के नीचे रख देती हूँ, और इस तरह ये अच्छी तरह गर्म हो जाता है। और मैंने यहाँ पर एक फॉइल लिया है, और जो मैंने बॉटल के नीचे लगा के उसको एक अच्छा सा एक बोल सा बना लिया है, और मैं इसको अब इसमें अपने चिकन के अंदर डाल के कोयला रख के थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूंगी, और इस तरह इसका एक बारबेक्यू का इफ़ेक्ट आ जाएगा, और इसको इस तरह करने से एक बहुत ही यमी सा टेस्ट आता है आपके खाने में। तो यहाँ पे मैंने ये कैरीगोल्ड का बटर लिया है जो मैं कास्को से लेती हूँ, और मैंने इसका अबाउट 1/2 stick बटर लिया है, तो अबाउट 4 टेबल स्पून है, और मैंने इसमें अब गार्लिक डाल रही हूँ ताकि इसको मैं अच्छी तरह थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें हालापीनो डाल दिए हैं, उस भी इसके साथ ही थोड़ा सॉटे कर लूँगी। और फिर मैंने इसके अंदर 4 टीस्पून पेपरिका, 4 टीस्पून सॉल्ट और 4 टीस्पून ज़ीरा डालूँगी। तो मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसके अंदर टोमेटो प्यूरी डाल दूँगी, फिर मैं टोमेटो प्यूरी को थोड़ी देर पकने दूंगी जब तक उसका थोड़ा सा ऑयल ऊपर ना आ जाए। इसके अंदर मैं चिकन डाल दूंगी, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे ताकि टोमेटो प्यूरी के अंदर और चिकन दोनों एक साथ पक जाएं थोड़ी देर अच्छी तरह। इसके बाद मैं इसके अंदर हैवी व्हिपिंग क्रीम डाल दूंगी, और मैंने इसके अंदर पूरी 1 pint डाली थी, दैट वॉज अबाउट 2 cups। दोनों चीज़ें बाइंड हो जाएंगी टुगेदर, थोड़ा सा ऑयल उस तरह ऊपर आ जाएगा, तो हमारा चिकन टिक्का मसाला तैयार है। और फिर उसके बाद मैंने हरा धनिया के साथ इसको हम गार्निश करेंगे, और इसके बाद मैंने बस मिक्स कर दिया है। ये बहुत ही मज़े का बना था गाइस, मेरे अभी तक मुंह के अंदर पानी आ रहा है इसको देखकर। डेफिनेटली बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी ये। बस चिकन टिक्का मसाला तैयार है अब, और मैं इसको बस डिश आउट करूँगी। ये डिश थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी, थोड़ी सी ग्रेवी ऊपर आ गई थी, तो मैंने टिश्यू से थोड़ी साफ़ कर दी, और मैंने थोड़ा सा हरा धनिया बचा के रखा था गार्निशिंग के लिए। हियर्स चिकन टिक्का मसाला। अगर आपको ये डिश पसंद आई हो गाइस तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, और लाइक करिए मेरी वीडियो को, और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।